हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन एस के स्ट्रक्चर ज्योरी लैंग्वेज के अंदर हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स इन एस क्यू एल आर एस होलोज सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर दैम्बल्स डेट आर यूज टू परफॉर्म ऑन डेटा अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अपने डेटे के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं ये आपके पास एक टेबल है इसके अंदर आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये चार आपके पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और ये चारों के चारों ऑपरेटर्स आप अपने एस यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं एन ऑपरेटर इज़ अ डेट डैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास एक सैम्बल होता है जिस तरह आपको ये चार सैम्बल्स नज़र आ रहे हैं जो आपके डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये सैम्बल्स कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यह आपको बड़े अच्छे से आइडिया है कि ये बेसिक मैथ के अंदर आप पढ़ चुके होंगे एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर आप क्यूरी के अंदर हम अरिस्मेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे लेट्स सपोज आपके पास की एक एम्प्लॉय का टेबल है और हमने क्यूरी लिखनी है राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेस एम्प्लॉ नेम एंड एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल क्या आपने एक क्यूरी लिखनी है जिसके अंदर आप इम्प्लॉय नेम शो करेंगे और उनकी एनुअल सैलरी शो करेंगे अब आपके पास ये टेबल है इस टेबल के अंदर आपके पास इम्प्लॉय नेम का कॉलम भी है और सैलरी का कॉलम भी है लेकिन ये जो सैलरी है ये पर मंथ सैलरी है आप चाहते हैं कि आपको जो सैलरी है वो पर ईयर शो हो तो उसके लिए हमने क्यूरी लिखनी है इसकी क्यूरी कुछ यूँ होगी ये क्यूरी क्या है यहाँ पर देखें हमने लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कि यहाँ से एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करो और सैलरी को सेलेक्ट करो ये वाला जो सैलरी का कॉलम है इसको सेलेक्ट करो लेकिन आपने सैलरी को मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व के साथ क्योंकि ये सैलरी पर मंथ थी तो आपको पता है एक ईयर के अंदर ट्वेल्व मंथ्स होते हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सैलरी को आपने मल्टीप्लाई करना है ट्वेल्व के साथ तो ये बेसिकली जो मल्टीप्लाई है ये हमने अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है अपनी इस क्यूरी के अंदर आगे लिखता है फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय के टेबल में से एम्प्लॉय नेम और सैलरी को कलेक्ट करो लेकिन सैलरी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ट्वेल्व के साथ तो जो आपको रिजल्टन टेबल आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा इसके अंदर एम्प्लॉय नेम का कॉलम होगा और साथ सैलरी का कॉलम होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व तो अगर आप देखें फिफ्टीन थाउजेंड को ट्वेल्व के साथ मल्टीप्लाई करें तो वन एटी थाउजेंड आता है तो इस तरह ये आपके पास जो रिजल्टेंट टेबल आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास इम्प्लॉ की जो सैलरी होगी वो एनअली सैलरी शो होगी तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई जिस तरह हमने परफॉर्म किया आप प्लस माइनस डिवाइड का ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर था नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज इन कंडीशन टू कंपेयर वन एक्सप्रेशन विद एन अदर कि रिलेशनल ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई कंडीशन लगानी होती हैं ये आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर तमाम के तमाम हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स बताए हैं कि आपके पास ग्रेटर दैन होता है लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन टू लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये सारे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं सो दे आर यूज इन वेयर क्लॉज के रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप वेयर क्लॉज के अंदर इस्तेमाल करते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉय का टेबल है और हमें एक क्यूरी परफॉर्म करनी है राइट अ क्यूरी दैट डिसप्लेस नेम्स ऑफ आल क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉ टेबल कि हमने इम्प्लॉ के लेबल में से क्लर्क्स के नेम्स हमने शो करने हैं यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें इम्प्लॉ के टेबल के अंदर यहाँ पर आपके पास क्लर्क भी हैं डेटा इंट्री ऑपरेटर भी हैं और ओ एम भी हैं लेकिन आपने सिर्फ उन एम्प्लॉज़ के नेम शो करने हैं जो क्लर्क हैं सो इसके लिए जो क्यूरी होगी वो कुछ इस तरह से होगी इसको देखें यहाँ पर हम कह रहे हैं सिलेक्ट एम्प्लॉ नेम और जॉब फ्राम इम्प्लॉय कि इम्प्लॉ के लेबल में से एम्प्लॉ नेम और जॉब के कॉलम को सेलेक्ट करो आगे देखें वेयर जॉब इज़ इक्वल टू क्लर्क आपने उन वैल्यूज को सिलेक्ट करना है जहाँ पर जो जॉब है वो क्लर्क इक्वल है तो आपके पास ये रिजल्टेंट टेबल आएगा वो कुछ यूँ आएगा यहाँ पर आपके पास अली और इमरान आएंगे क्योंकि तो ये दोनों क्या हैं ये दोनों क्लर्क हैं इसके अलावा आपके पास कोई भी एम्प्लॉ का नेम यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि बाकी जो हैं वो क्लर्क नहीं हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमने कंडीशन लगानी थी और कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पर इक्वल का जो रिलेशनल ऑपरेटर है अगर आप इस टेबल के अंदर देखें इक्वल तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो इसी तरह से आप इन तमाम रिलेशनल ऑपरेटर में से कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू एवेलुएट कंपाउंड कंडीशन जब आपने मल्टीपल कंडीशन को एवेल्युएट करना हो उसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं द लॉजिकल ऑपरेटर्स एन और एंड नोट ये तीन आपके पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एक है एंड दूसरा आपके पास है और और थर्ड आपके पास है नोट ये भी आपने मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग के अंदर हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल देखते हैं लेट्स आपके पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय का राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज ऑल क्लर्क हु अर्न बिटवीन एलेवन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड अब यहाँ पर हमने दो कंडीशन लगाई हैं हमने क्या है कि उन तमाम क्लर्क्स को शो करो जिनकी जो सैलरी है वो एलेवन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड के दरमियान में है यानी कि पहली कंडीशन हमने इस टेबल पे लगानी है कि हमने सिर्फ क्लर्क का डाटा शो करना है और उन क्लर्स का डाटा शो करना है जिनकी जो सैलरी है वो इस रेंज के दरमियान है इसकी क्यूरी कुछ क्यों होगी इस क्यूरी को समझें कैन सेलेक्ट इम्प्लॉ नंबर इम्प्लॉ नेम फ्रॉम एम्प्लॉ कि ये इम्प्लॉ के टेबल में से इम्प्लॉ नंबर और इम्प्लॉ नेम हमने यहाँ सेलेक्ट करना है अब आगे कंडीशन देखें वेयर सैलरी बिटवीन इलेवन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड आपने उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है जिनकी सैलरीज इलेवन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड के दरमियान में है ये बिटवीन बेसिकली कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने दो रेंज के दरमियान वैल्यूज़ को गेट करना हो तो हमने यहाँ पर लॉजिकल पैटर भी लगाया है कि एलेवन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड के दरमियान में उसकी सैलरी होनी चाहिए आगे ये एक पहली कंडीशन थी आगे हमने दूसरी कंडीशन लगाई है एंड जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और उन एम्प्लॉयज की जो जॉब जो है वो क्लर्क होनी चाहिए यानी कि इसका जो रिजल्टेंट टेबल आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा ये सबसे पहले हम देखेंगे क्लर्क कौन कौन से हैं ये तीन लोग क्लर्क हैं अली रजा और नादिर पहली कंडीशन एक होगी हमारे पास एक और कंडीशन हमारे पास है कि उनकी सैलरी एलेवन और ट्वेंटी के दरमियान में होनी चाहिए तो अली की सेवनटीन है तो हमने अली लहम लिख दिया रज़ा की फिफ़टीन थाउज़ेंड है ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया अगर आप नादिर की सैलरी चेक करें तो ये ट्वेंटी टू थाउजेंड है यानी कि ये इस रेंज के दरमियान में नहीं आती तो आप इस नादिर की डाटे को यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो आपके पास रिजल्टन ये जो टेबल आएगा इसमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ डाटा है जो क्लर्क हैं और उनकी जो सैलरी है वो अलेवन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउज़ेंड के दरमियान में है तो ये हमारे पास से लॉजिकल ऑपरेटर्स और हमने देखा कि इसको आप किस तरह से अपनी क्यूरीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, आज हमने बात की स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी टाइप के आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं आज से इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू वेरी मच